क्या डाउट करते हो यार, टेस्टी खाना कैसे बनता है बच्चों के लिए, मल्टीमिलियन नूडल कितना कलरफुल दिख रहा है देखो तो। यस, इसके लिए हम लोगों ने मल्टीमिलियन नूडल्स यूज़ किए, उसमें मैदा नहीं होता है। ये सैशे पूरे पैकेट के लिए है, इसीलिए आप लोगों को सैशे में से उतना ही क्वांटिटी यूज़ करना है जितना नूडल्स यूज़ कर रहे हो, और सैशे में थोड़ा सा स्पाइस और सॉल्ट भी है तो संभाल के डालना। गार्लिक इज़ देयर, हम लोगों ने कैबेज लिया है, चॉप्ड कैप्सिका एंड चॉप्ड कैरेट, आप ग्रेट करके भी ले सकते हो। सो हम लोग हाफ ही पोर्शन यूज़ कर रहे हैं, सो आप बच्चे की उम्र के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। राइट फ्रॉम 6 मंथ ही अलाउड है। हार्डली सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज़ देयर इन द नूडल्स, बट उतना मैनेज हो जाएगा। सो आप 2 कप पानी ले लो, उसको बॉईल करने के लिए रख दो और उसमें आप नूडल्स को ऐड कर दो। सी, आप उसको दोनों तरीके से बना सकते हो। आप लोग घी में पहले वेजिटेबल्स सॉटे करके उसमें पानी डाल के डायरेक्टली उसी में नूडल्स पकाए तो भी चलेगा, बट अगर आप अलग से पकाते हो तो इट्स बेटर, बिकॉज इसमें मैदा नहीं है, इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। 7 से 8 मिनट पकाओ, हाथ से अच्छे से पकाए कि नहीं चेक करो, चाहिए तो आप 1-2 मिनट के लिए ढक्कन दे के भी रख सकते हो और फिर उसको छन्नी में निकाल दो। सो आपके नूडल्स अलग से निकल गए, तैयार है। अभी आपको लेना है पैन, पैन में आप लोग डालोगे होममेड बटर, घी या तो फिर फिल्टर्ड ऑयल, फिर उसमें गार्लिक ले लो, गार्लिक को अच्छे से सॉटे कर दो। याद रखो गार्लिक एक बहुत अच्छा स्मेल छोड़ता है, जब भी आप उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने दोगे फिर आप लोग उसमें बाकी के वेजिटेबल ऐड कर दो, अच्छे से सॉटे कर दो। सॉटिंग क्यों करना है शायद, बिकॉज यही पे चीज़ें आधी पक जाती है, सो इट एक्चुअली हेल्प्स। सॉटे हो गया, फिर आप लोग सॉटे करने के बाद चेक कर सकते हो क्या वेजिटेबल्स थोड़े सॉफ्ट हो गए, फिर आप लोग उसमें मसाला ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी दैट यू हैव टेकन, स्पाइस आपको कितना चाहिए, बच्चा कितना छोटा है, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दो और फिर इसमें पके हुए नूडल्स डाल दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो एंड कीप इट अ लिटिल मोर मॉइस्चर्ड। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, प्रॉपर नूडल्स टाइप फील आपको देना, तो आप लोग ऐसा वाला भी बच्चे को दे सकते हो। ढक्कन देके आपको 2 मिनट के लिए उसको टेस्ट को एनहांस होने के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। ये देखो यमी यमी टेस्टी से होम मेड नूडल्स आपके बच्चे के लिए तैयार है। राइट फ्रॉम 6 मंथ आप बच्चे को ये दे सकते हो। इट्स एन अमेजिंग न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डिश जो आपके बच्चे ने खाना ही चाहिए। यमी यमी फूड।